लड़की के दो भाई थे, वो दोनों भाई अपनी बहन को जब पंडाल में ढूंढने लगे, जब वो नहीं मिली तो उसको ढूंढते ढूंढते वो लोग घर पे जब पहुंचे तब उन्होंने देखा कि पीछे बाघ के घेर में मृतक रोहित यादव और लड़की आपत्तिजनक अवस्था में, तो उसी में गुस्से में आकर के ये दोनों जो भाई हैं इन लोगों ने वहीं पास के पड़े ही एक बाँस से उस लड़के के सिर पर प्रहार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके सिर पर एक ही सिर चोट का निशान मिला। उसके बाद दोनों को घबरा गया, उन्होंने उस लड़के की लाश को कुएं में फेंक दिया। तो इस घटना में जो मृतक है रोहित यादव वो भी नाबालिग है, जो लड़की है वो भी नाबालिग है और लड़की के जिन दो भाइयों ने उसकी हत्या की है वो भी नाबालिग है। लेकिन इस बात का एक काफ़ी अच्छा प्रयास किया उदयपुर पुलिस ने, उनकी पूरी टीम ने, कि इसका घटना का बिल्कुल सही खुलासा उन्होंने किया और जो नामजद अभियुक्त इसमें किए गए थे वो निर्दोष पाए। ठीक, थैंक यू।